हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे वाले दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में देश के सीआरपीएफ काफिले पर काफी बड़ा हमला हुआ था। इस कायराना हमले में देश के 40 जवान शहीद हो गए। बॉलीवुड ही नहीं, पूरा देश इसकी निंदा कर रहा है और एक के बाद एक बॉलीवुड स्टार सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वहीं अब बॉलीवुड क्वीन कंगना ने भी एक बड़ा बयान दिया है और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है। बता दें कि कंगना ने कहा है कि पुलवामा हमला हम पर हुआ है, जवानों ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी है। इस समय जो भी देशवासी ये सोच रहे हैं कि शहीद परिवारों पर श्रद्धांजलि देकर एहसान कर रहे हैं, तो उन्हें समझना होगा कि ये हमला हम सब पर हुआ है। ये जो गुस्सा है वो जायज है। इस समय हमें कुछ अहम करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगी कि वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटा दें। ऐसा इसलिए क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद भी देश के उस हिस्से में लोगों को ठीक से पता ही नहीं है कि वो किस देश से संबंध रखते हैं। इस समय पूरे देश को एक होना चाहिए। तो देखा आपने, इस हमले की वजह से कंगना काफी गुस्से में है और इसी वजह से उन्होंने मोदी से अपील की है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब कंगना का गुस्सा यूं फूटा हो। हाल ही में कंगना ने अपनी फिल्म मणिकर्णिका को लेकर बॉलीवुड के तमाम स्टार्स पर निशाना साधा था और उनकी जमकर लताड़ लगाई थी। अब जाहिर है, जब अपनी फिल्म के लिए उन्होंने पूरे बॉलीवुड को अपने निशाने पर रख दिया तो ये तो काफी बड़ी बात है। ऐसे में कंगना भला चुप कैसे बैठती। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने पाक स्टार्स के बैन होने पर भी काफी कुछ कहा है। कंगना का कहना है कि हमारे जवानों को चोट पहुंची है। हर चीज का एक धर्म होता है, युद्ध का भी एक धर्म होता है और इस धर्म में हम अपने देश के साथ हैं। अब कंगना ने ऐसा क्यों कहा, ये तो आप जानते ही होंगे कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने अब पूरी तरह से पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने से मना कर दिया है। वेल, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कंगना के इस अपील की पीएम मोदी की तरफ से सुनवाई होती है या नहीं।